भाई राजेश सिन्हा जी हमारे बीच उपस्थित है। उपस्थित है करके आने से पूर्व एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें और जो शिक्षक भाई खड़े हैं प्लीज लास्ट लास्ट में बैठ गए सर, बैठ गए। धन्यवाद। आज के एक दिवसीय धरना कार्यक्रम के संचालन कर रहे हमारे कोहा के इस धरना को सफल बनाने के लिए अपनी ऊर्जा में खर्च किए हैं, लगाए हैं और यहाँ के शिक्षकों को मनोबल उठाने का काम किए हैं कि आप संघर्ष करो, पूरा कटिहार जिला आपके साथ है। इसलिए मैं तमाम दूसरे प्रखंड से आए हुए तमाम शिक्षक भाइयों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज के इस धरना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष बड़े भाई तमिल जी, बड़े भाई नूर आलम साहब, हमारे केटीएसटीटी शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष मनोज पासवान जी, राजेश झा जी, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष भाई कमरुद्दीन जी, साजन जी, परवेज जी, निर्मल जी, मुकेश जी, अविनाश जी, ले अगर नाम लू तो मैं एक एक लोगों का भी सभी लोगों का नाम ले सकता हूँ लेकिन समय कम है। आप लोग 11 बजे से हमारे बीच उपस्थित जनार्दन भैया जो हम लोगों के बड़े भाई हैं वो भी उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। साथियों सवाल यह है कि कोहा की धरती सदैव संघर्ष की धरती रहा। मैं चूंकि इसी कोहा की धरती से आता हूं और हमने कई आंदोलनों को अपने सामने में देखा है और मैं कई आंदोलन में शरीक भी हुआ हूं, उसका शरीक हमारे हाथ में आज भी मौजूद है। हमारे बीच असलम भाई हैं, हमारे दूर मथुरा के क्षेत्र के भाई हैं, वो हमें जानते हैं बहुत बखूबी तरह से। जब हम जिला परिषद का चुनाव हमारी मदर मान लड़ी थी, सबसे पहले मेरा क्षेत्र वही मथुरा का क्षेत्र था। तो साथियों आज ये धरना पर जो हम बैठे तो बहुत देर कर दी, हमें कोहा के शिक्षकों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए हमें 6 महीना पहले बैठना था। हमें गर्व की बात है कि देर से ही सही लेकिन हमारे कोहा के शिक्षक कम से कम शोषण के विरुद्ध खड़ा होने के लिए अपने दायित्व का निर्वहन तो किया। इसके लिए मैं तमीज भाई को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने लगातार कोहा के पीओ और बलरामपुर के पीओ के विरुद्ध जो तानाशाही रवैया, जो शोषणकारी रवैया दोनों प्रखंडों के पीओ का था, उसके लिए लगातार प्रखंड से लेकर जिला में आवाज उठाने का काम किया। साथियों ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पीओ 31 तारीख को रिटायर हो रही है। हम लोग बात करते हैं, हमारे जिला के साथी हैं, हम लोग बात करेंगे कि अगर एक सप्ताह के अंदर इस बीओ पर जिला पदाधिकारी के माध्यम से कोई कार्रवाई नहीं होती है, एक सप्ताह के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर, तो हम लोग सभी जो जिला के समन्वय समिति के जिला के अध्यक्ष हैं वो सभी जिला पदाधिकारी से एक सप्ताह के बाद मिलने का काम करेंगे और जो जांच कमेटी बनी थी उस जांच कमेटी के रिपोर्ट पर क्या एक्शन जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय ने लिया और जिला हमारे जिला शिक्षा जिला पदाधिकारी को इस जो जांच कमेटी का रिपोर्ट था उस पर वो क्या कार्रवाई किए, वो बात रखने के लिए हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ निश्चित रूप से अवश्य एक सप्ताह के अंदर जाएंगे। साथियों
ये शिक्षक समाज जो 4000 से शुरू होकर आज आप कहां है हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। इसको लेने के लिए लगातार आपने संघर्ष किया है और ये 17 साल से आप जो हठधर्मी मुख्यमंत्री को झेला है, आप उसके दांत से आपने अपना अधिकार को छीनने का काम किया है। ये अदला बीओ किस खेत की मूली है? केवल आपको अपने अंदर अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है। हमें आज याद है कि बजरंगबली को अपनी शक्ति ज्ञात नहीं थी, लेकिन जब उनकी शक्ति के बारे में बताया जाता है तो फिर उनको ऐसा शक्ति आता है कि वो उनके सामने कोई दैत्य नहीं रह सकता है। तो आज हमारे शिक्षक समाज में यही चीज है कि इनको अपने शक्ति को बताने की आवश्यकता है, अपने शक्ति को जागरूक करने की आवश्यकता है। ये दिन आप जग जाएंगे वो दिन ऐसे ऐसे पियो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, आपका शोषण नहीं कर सकेगा, लेकिन आप जगे नहीं है। आप ये सोचते हैं कि वो दलाली कर रहा है। आप दलाल तो शुरू से रहा है, आज वो दलाली कर रहा है, कल कोई दूसरा कर रहा था, आगे आने वाला भी जो बीओ होगा उसका भी कोई तीसरा दलाली करेगा। तो हमें जरूरत है उन दलालों को सामूहिक रूप से बहिष्कार करने की आवश्यकता है और सभी संगठन के लोगों को ये प्रण लेना पड़ेगा कि एक भी शिक्षकों का किसी भी प्रकार से शोषण नहीं हो, इसके लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। साथियों, शिक्षक संगठन इसलिए बना, शिक्षक संगठन इसलिए नहीं बना है कि आप शिक्षक जो शोषित हो रहा है उससे पैसा लेकर दलाली करके ऊपर के पदाधिकारियों को खिलाकर उसका काम करा दें। इसके लिए शिक्षक संगठन नहीं है, शिक्षक संगठन है कि शिक्षकों का जो वाजिब सवाल है उसको लेकर लगातार संघर्ष करना। और हमारे लिए जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो संविधान के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शोषण के विरुद्ध लड़ाई लड़ने का संघर्ष करने का जो अधिकार दिया है, इसको ही आगे रखकर हम आगे संघर्ष करते जाएंगे, करते रहेंगे। और सभी शिक्षकों को ये प्रण लेना पड़ेगा, सभी शिक्षक संघ के पदाधिकारी के सदस्यों को, कि एक भी शिक्षक का शोषण नहीं हो, इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा करेंगे। हम आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि आज के धरना आपके माध्यम के द्वारा जो ज्ञापन दिया जाएगा आप उन्हें जिला पदाधिकारी महोदय को अधिसारित कर जो अभी वर्तमान में जो बीओ है उस पर कार्रवाई करने के लिए आग्रह किया जाए। और जो शिक्षक समाज आज प्रताड़ित हुआ है उन परनामा को एक जो वर्तमान बीओ है उस पर कार्रवाई करके शिक्षकों के मरहम लगाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि वक्ता तो बहुत है लेकिन अब समय भी ओवर है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और यहां उपस्थित सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन पुनः करता हूं। शिक्षक एकता जिंदाबाद।